व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपको 6 पुंगनूर नस्ल की गायें, बछड़ियां, बछड़े और बुल दिखाऊंगा। आप निश्चित ही जानकर चौंक जाएंगे। ब्रीडिंग का काम यहां पर बखूबी होता है और आप भी इस नस्ल को संवर्धन करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इन्हीं के बारे में जानकारी हम टी बाबूजी से लेंगे। ये इन गायों के ओनर हैं, इन्हें सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर जी। सर जी, आपका यहाँ का एड्रेस बताइए सबसे पहले तो व्यूअर्स को। सर, सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार है। आप इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, आपने बहुत वो लाजवाब काम किया। कोई इतना कम से कम 2,500-3,000 किलोमीटर चल के आया, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद भाई। उसके बाद हमारा काम है, एक पुंगनूर ब्रीड है जो हिंदुस्तान के जो लुप्त होने का कगार में जो नस्ल है, उस ब्रीड का डेवलप हम लोग इधर कर रहे हैं। ये इसी आंध्रा का ब्रीड है, हमारा हिंदुस्तान का नस्ल है। जैसा ही हिंदुस्तान में 30-35 गोवंश है, उसमें एक भारतीय दुधारू नस्ल में एक पुंगनूर नस्ल एक है। इसके जो ओरिजिन है इधर ही है, चित्तूर जिला के अंदर पुंगनूर करके गांव है, वहाँ इसका राजा महाराजा ने इनको जब पैदा हुआ था तब इसको उन्होंने डेवलप करके छोड़ के गया। अभी इसको हम डेवलप करवा रहे हैं। अपना पास इसी ब्रीड का पूरा ब्रीडर्स है, हम लोग इसी ब्रीड पर काम करते हैं। ये हमारा एक्यूरेट एड्रेस है, चिन्ना बंडापल्ली विलेज है, एम बंडापल्ली पोस्ट है, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश स्टेट है, जहाँ ये जो विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर, वहाँ से ये हमारा फार्म नज़दीक पड़ता है। आप देख सकते हैं आज के इसी वीडियो में ब्रीडिंग का सेटअप कैसे करना, किसी हिसाब से ब्रीडिंग करना, बच्चे को कैसे लेना, आगे ब्रीडिंग में कैसा सक्सेस फार्मर होते हैं, उसके बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए जी भाई साहब साथ। मेरा मोबाइल नंबर है 9652270522 है। ठीक है व्यूअर्स, ये नंबर मैं स्क्रीन पर भी मेंशन करूँगा और साथ ही आपको एड्रेस भी स्क्रीन पर मिलेगा, क्योंकि एड्रेस जो काफ़ी व्यूअर्स हैं जो हिंदी भाषी है, वह ज़रूर से इस एड्रेस को नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए मैं एड्रेस स्क्रीन पर मैंशन करूँगा। आप यहाँ विजिट करें, विजिट सिर्फ इन गायों के लिए नहीं अपितु यहाँ जो तिरुपति बालाजी का फेमस टेम्पल है, यहाँ भी आकर उनका दर्शन करें। अभी देख सकते हैं सर, इसका हमारा भगवत गीता गौशाला, अपना गौशाला का नामकरण किया गया है। भगवत गीता गौशाला के अंदर ये अर्जुन नामकरण किया वो बुल है सर। आप देख सकते हैं इसका ये इसका बछड़ा सर, फादर है, ये मदर है सर। ठीक है, ये इसकी बछड़ी है। बछड़ी है ये, इसकी फीमेल काप है सर, और ये इसका फादर है। फादर है सर, ये इसका फादर है। इसका नाम क्या बताया आपने? अर्जुन सर। अर्जुन बुल है ये। हाँ सर। और ये इस बछड़ी की माँ है। माँ है सर, यानी कि आप ये कंप्लीट फैमिली लिए हुए हैं। हाँ सर। हाँ सर, गाय भी आपके पास है और बुल भी आपके पास है। हाँ सर। हाँ सर, और साथ ही साथ इन दोनों की बेटी यानी कि बछड़ी भी आपके पास है। ये देख सकते हैं सर, ये बेहद खूबसूरत है। 4 से 5 महीना जैसा कोहिनूर डायमंड है सर। हाँ हाँ, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोहिनूर डायमंड है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार शो क्वालिटी का फीमेल काप है सर। हाँ हाँ हाँ, मदर देख सकते हैं, बल्कि क्वालिटी कम है सर। हाँ, लेकिन बाप का क्वालिटी पूरा 100% मौजूद है। इसको ब्रीडिंग कहते हैं सर। हाँ, जिस हिसाब से नंदी है उसी हिसाब से ब्रीडिंग भी। आपका कोई भी फार्म में गौशाला के अंदर है, जैसा ब्रीडिंग का सेटअप करेगा, नंदी नंबर 1 होना चाहिए सर, तभी आप ब्रीड को डेवलप कर पाएगा। अदरवाइज अगर नंदी नहीं है तो ब्रीड डेवलप का कोई नाम का चीज ही है नहीं है। ये चीज है सर। ठीक है, आपका ये संदेश बिल्कुल एक्यूरेट है कि अगर आपके पास बुल अच्छा होगा तब भी आप संवर्धन कर पाएंगे। गाय आपके पास अच्छी है और उसको यदि अच्छे बुल के सिलेक्शन करके गाभिन करवाया जाए तो और भी अच्छे बछड़े और बछड़ियाँ मिल जाएंगे, यही संवर्धन है। हाँ सर, आपका ये विचार काफ़ी हमें शानदार लगा। आपने भी ब्रीडिंग पर काफ़ी काम किया है, इस बारे में भी जानकारी हम व्यूवर्स को साथ साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ आप भी खुद यहाँ विजिट कर इन गायों को भी देखें और टी बाबूजी के जो ब्रीडिंग के काम है उनको भी देख कर सराहें। इनका इस देसी गोवंश को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है और साथ ही साथ उन तक पहुंचाने में भी काफ़ी योगदान रहा है जो पुंगनूर नस्ल पर काम करना चाहते हैं। वहां तक इन्होंने गायें और बुल भी काफ़ी अवेलेबल करवाए हैं। जो अभी आप बछड़ी देख पा रहे हैं, इसके मदर और फादर ये दोनों सामने आप देख पा रहे हैं। ये गाय है, इसकी बछड़ी है ये, और ये बुल है, इस बुल से गाभिन हुई है गाय, और ये ऐसी शानदार खास ब्रिड के रूप में बछड़ी मिली है।
बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही शानदार है, कोहिनूर कह सकते हैं इसे। इसके साथ ही साथ एक ऐसी फैमिली और भी इसी वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप इनमें से किस किस को बेचने के लिए इच्छुक है जी सर, सेल करने के लिए? ये मदर विद काफ भी सेल कर देंगे सर, लेकिन बिना मदर का हम दे नहीं पाते हैं सर। अच्छा, बिना मदर के तो आप दोगे नहीं? हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी से नहीं है सर। ठीक है, ऐसा नहीं, हम कमर्शियल करने वाला 2-3 महीने का बेच देते हैं सर, लेकिन जब तक 6-7-8 महीने तक अपना माँ से दूध पिएगा सर। ये काफ कितनी उम्र का हुआ जी अभी? ये अभी 4 महीना क्रॉस हो गया सर, लगभग 4-5 महीने के बीच में। लगभग 4-5 महीने के बीच में? बीच में सर। ठीक है, ये बुल के सामने तो बहुत ही छोटी लग रही है और आपके सामने तो ये बिल्कुल ही छोटी लग रही है। आशा करता हूँ व्यूवर्स इस साइज को पहचान कर चुके होंगे, पिक कर चुके होंगे। ये आप बुल, बछड़ी और ये गाय, तीनों भी सेल कर सकते हो एक साथ? हाँ, एक साथ कर देंगे सर। एक साथ कर दोगे तीनों के तीनों ही? हाँ सर। इनकी कीमत भी बता दो जी भाई साहब साथ साथ। ये काफ और मदर सर 2 लाख सर। काफ और मदर कोई परचेज करता है तो ये 2 लाख है? 2 लाख से बुल से, ये हमारा ब्रीडिंग बुल है, ये कृष्णा सर, उससे दोबारा क्रॉस कर रखा हूँ सर। अच्छा, कृष्णा बुल जो दूसरा है आपका बुल, उससे आपने क्रॉस करवा दिया? क्रॉस करवा के रखा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस बुल से क्रॉस हुई अर्जुन से? क्रॉस किया, इसके जो सामने आप देख पा रहा है रिजल्ट है सर। अपना पास 2 बुल है सर, कृष्णा अर्जुन करके। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट देख लीजिए। अगर कोई इस बछड़ी को और उसकी माँ को और साथ में इस बुल को भी लेना चाहे तब क्या कीमत रहेगी जी तीनों की? मैं बुल का तो पहले वीडियो में भी बता दिया सर, विद फ्री ट्रांसपोर्ट के साथ हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोने में विद ट्रांसपोर्ट के साथ 2 लाख में अवेलेबल करवाऊंगा। 2 लाख रुपए में? तो ये समझे कि इस पूरी फैमिली को आप 4 लाख रुपए में अवेलेबल करवा सकते हो। फ्री ट्रांसपोर्ट है सर। अच्छा, अगर एक साथ कट्टा अगर एक साथ ये तीनों को पूरी फैमिली को ले, पूरी फैमिली को एक साथ रखें तो 4 लाख रुपए में विद ट्रांसपोर्ट कहीं भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, कंप्लीट इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं सर। आप भिजवाओगे? मैं भिजवा दूंगा सर। आप भिजवाओगे ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट है सर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपके हिसाब से फ्री रहेगा? फ्री रहेगा सर, जब आप पूरी फैमिली लेते हो तो। लेते हैं सर, अगर बुल अकेला भी ले रहा सर। अगर कोई अकेला बुल भी लेगा तो भी? अच्छी ब्रीडर होना चाहिए सर, अच्छा गौशाला चलाना चाहिए, या कोई साधु होगा, कोई संतु होगा, कोई देखभाल, कोई ब्रीड पे इंटरेस्ट है, ऐसा वाला आदमी को फ्री ट्रांसपोर्ट के साथ घर तक 2 लाख में बुल को पहुंचा देंगे सर। ऐसा शानदार बुल आज के डेट में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा सर आपको पूरा विश्व में। हाँ सही है, पुंगनूर नस्ली ऐसी है जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, और ये बछड़ी ऐसी है जिससे नजर हटाए हुए नहीं हटती है। जो दूसरी जोड़ी है आपके पास, वह जोड़ी भी मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा। आप देख पा रहे हैं प्यार, 3 महीने की बछड़ी है और गोप्रेम इसी को कहा जाता है। इसी गोप्रेम की वजह से ही ग्वाले गायों के आसपास रहते हैं। देख पा रहे हैं आप 3 महीने की बछड़ी है और प्यार देखिए इस बछड़ी का। आपके साथ एक जोड़ी और भी शेयर करूंगा जो इन्हीं के पास है, इस पर भी नस्ल संवर्धन का काम कर रहे हैं। इनके बारे में भी भाई साहब बताइए जी कंप्लीट डिटेल। ये सर अपना भगवत गीता गौशाला का ये कृष्णा बुल है सर। ये बुल जो है ये कृष्णा बुल है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये बुल जो देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का, ये कृष्णा बुल है? बुल है सर, ये हमारा गौशाला का सर। ये आपकी गौशाला का ही है ये बुल? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये इसको सर ये मैच किया हुआ सर। हाँ हाँ, आपको ये भी हो सकता है सर, बुल से फीमेल जो है हाइट ज्यादा है। अच्छा, फीमेल की हाइट ज्यादा है बुल से? आप कैसा ब्रीडिंग होगा करके सोच सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, हमने जो सेटअप कर रखा है, जो गाय है थोड़ा गड्ढा में खड़ी करते हैं सर। गड्ढा में खड़ी करके आप जो फिजिकली मैचिंग कराते हैं सर। हाँ हाँ, जो गाय होगा सर कम से कम 1 फीट खुदाई करके, हाँ, चारों पैर गड्ढा में होगा, हाँ, फिर बुल क्रॉसिंग करवाते हैं सर, फिर मैटिंग करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, फिजिकली मैटिंग करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इसको भी देख सकते हैं साहब आप, मदर तो इतना खास क्वालिटी में नहीं है, फिर भी बुल का वजह से एक श्वेत कपिला पैदा हुआ सर, देख सकते हैं फीमेल का आपको सर। एक मदर है सर, मदर तो इतना क्वालिटी में नहीं है सर, लेकिन नंदी के वजह से बुल देख सकते हैं सर, स्वर्ण कपिला में बुल है सर। ये स्वर्ण कपिला में आया, स्वर्ण कपिला में बिल्कुल शानदार बुल है सर। इस कपा बगल में है कृष्णा बुल, आप देख सकते हैं सर, स्वर्ण बुल व्यूवर्स आप देख पा रहे हैं, व्हाइट कलर में है और माँ के अनुरूप इसका कलर आया, और बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो
बोरा बुल के ऊपर आया है, इसलिए सर इसको स्वर्ण कपिला है, बुल स्वर्ण बछड़ा जो है ये देखना सर, नतुने कान कुर इसके लाल है और आंखों की बोहें पलके भी लाल है और सींग भी शायद इसके लाल ही निकल रहे हैं, काफी छोटे सींग हैं अंदर की तरफ घुसे हुए हैं लेकिन उम्मीद है कि लाल ही निकलेंगे। ये पूंछ है, बड़ा हंप है, शानदार सुंदर लाल रंग के खुर है और लाल ही इसकी पूंछ है, पूंछ भी लाल है। हाँ सर, हाँ सर, ये स्वर्ण कपिला बुल है, आगे ब्रीडिंग के लिए इसको यूज किया जाए तो निश्चित ही भविष्य में बछड़े और बछड़िया भी आपको इस कलर पैटर्न में मिल सकते हैं अगर आप अच्छी ब्रीडिंग के लिए इन्हें यूज करें। बुल काफी शानदार क्वालिटी का है, बुल का साइज छोटा है, बुल का साइज क्या है जी भाई साहब? साहब इसका सर 30 inches है, 2.5 feet है सर, इसका जो हम्प है देखना आप सटीक अगले सामने वाला पैर के 90 degree में एंगल में सर 6 inch का इसका हम्प है सर, 6 inch का हम्प है पूरा इसका 35-36 आएगा सर, देख सकते हैं सर। ये और एक परिवार है सर, ये कंप्लीट फैमिली है सर, ये कंप्लीट फैमिली है, दो फैमिलिया मैंने आज आपको दिखाई है, ब्रीडिंग इसी को कहा जाता है। आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें और उनकी पहचान करें कि ये किस बुल का है, किस बुल की बछड़ी है, किस बुल का बछड़ा है, पेडिग्री मेंटेन करें, काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आया है। ये लाल रंग की मार रही है और सफ़ेद रंग में बुल रहा है, दोनों की मेटिंग से ये स्वर्ण कपिला बछड़ा मिला है, जिसकी उम्र क्या बताई भाई साहब आपने इसकी? इसका 6-7 महीना सर लगभग, इसकी 6-7 महीने के आसपास हो चुकी है, अभी भी ये दूध पी रहा है सर। अच्छा, अभी दूध पी रहा है ये? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो दूध कितना देती है जी आपकी गायें? ये सर सुबह 1 liter, शाम को 1 liter सर, एक परिवार के लिए चला सकते हैं सर। अच्छा, एक परिवार दूध चला सकता है? चला सकते हैं सर, सुबह 1 liter, शाम को 1 liter है सर, मिल जाएगा सर आपको। हाइट भी कम है ना सर, बिलो 3 feet रहता है, 3 feet का आसपास रहता है, बकरी जैसा साइज है सर, बकरी जैसा साइज रहता है, छोटी सी जगह में भी बांध के इसको पालन पोषण किया जा सकता। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कुछ मंदिर के पुजारी हैं, हाँ सर, वो भी ऐसी गायें और बछड़ियां रखना चाहते हैं, हाँ सर, हाँ सर। तो उनके लिए भी शानदार चॉइस रहेगी कि वे मंदिर के अंदर भी सेवा के लिए इनको पाल सकते हैं, पाल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं सर। एक जो पेट एनिमल जैसा है सर ये, हाँ हाँ हाँ। एक जो आज के डेट में कोई कुत्ता पाल रहा है ऐसा, कुत्ता का बदली इसको सेवा करेंगे तो जो पूरा हिंदुस्तान पूरा दुनिया में सर ऐसा एक चीज है, पूरा भगवान एक ही चीज में है, सिर्फ गोमाता सर, देसी गोवंश है। और इसके अंदर हर देवी देवता आपको मिल जाएगा सर, इसलिए इसको हर जगह पालन पोषण किया जाना चाहिए, साथ साथ में इसको पूजा भी करना चाहिए सर। ठीक है, आप इसकी कीमत ही बता दो जी, जो ये कंप्लीट फैमिली आपने बताई है, पहले वाली फैमिली की आपने 4 lakh rupees प्राइस रखी है, बुल अकेला लेके जाए तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए फ्री है, और ये कंप्लीट दूसरी जो जोड़ी है यानी कि माँ और बेटी की जोड़ी यदि लेके जाती है तो ये भी 2 lakh rupees प्राइस में रहेगी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, इसके साथ इस जोड़ी के बारे में बताइए भाई साहब। ये माँ और बेटा को सर मात्र 1 lakh rupees में दे दूंगा सर, ये माँ और बेटे की बुल की जोड़ी 1 lakh rupees में दे दोगे आप? हाँ सर। ठीक है, ये 1 lakh rupees में है, मतलब माँ इसकी और ये बुल, हाँ सर, दोनों 1 lakh rupees दे दोगे, दोनों पुंगनूर नस्ल के हैं। हाँ सर। और ये बछड़ा है इसके साथ? हाँ सर, बछड़ा है। गाय भी दूध दे रही है, ये गाभिन हुई है या अभी? सर इसी अपना अर्जुन बुल से क्रॉस हुआ के 2 महीना हो रखा सर, इस अर्जुन बुल से ये अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है। व्यूअर्स बुल देख पा रहे हैं आप, ये भी अच्छी क्वालिटी में है, बड़ा हम्प है इसमें भी, इससे ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, ये गाय है व्यूअर्स देख पा रहे हैं आप, रेड कलर में है, छोटे छोटे सींग डेवलप हुए हैं, बेहद ही छोटे छोटे सींग हैं, बेहद खूबसूरत, भारी कदकाठी है, कदकाठी वजनदार है, परवरिश अच्छी की गई है, और जो बछड़ा है वह भी काफी खूबसूरत है। 7-8 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया है। हाँ सर, ठीक है, अगर ये बुल भी साथ में लेके जाए तो ये भी अवेलेबल करवा सकते हो क्या? ये सर प्रेजेंट ब्रीडिंग के लिए रखेंगे सर। अच्छा, ये आप रखोगे ब्रीडिंग के लिए? ये कृष्णा को रखेंगे, अर्जुन को दे देंगे सर। अच्छा, कृष्णा को आप रखोगे ब्रीडिंग के लिए, इसको सेल नहीं करोगे? सेल नहीं करना सर। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, आपके पास भी परिणाम देने के लिए दूसरा बुल रहना चाहिए सर, आपके आपके पास भी फार्म बड़ा है तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ सर, हाँ सर। आप ये कम्प्लीट ये मान सकते हो व्यूअर्स की 5 lakh rupees में 2 gaayein, 1 bachda, 1 bachdi और 1 bull, यानी कि 5 की फैमिली जिसमें 2 परिवार है, और बुल ये जो बताया है कृष्णा बुल है ये? हाँ सर, कृष्णा, ये कृष्णा बुल है, ये नहीं सेल करेंगे। काफ़ी अच्छी डील रहेगी, आपको ये डील कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो, ये लोट आपको पसंद आया हो, पुंगनूर गायें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से लिखें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहें, इसी फार्म से हम
आपको आगे आने वाले दिनों में 4 से 5 वीडियो और कवर कर दिखाएंगे, जिनमें गायें, बछड़े, बछड़ियाँ और साथ ही इनको कैसे रखा जाता है, कैसे इनका खान पान रहता है, कैसे इनकी परवरिश रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।